इस वक्त परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी पर हर किसी की नजर टिकी है। ये रॉयल कपल 24 दिसंबर को उदयपुर के होटल लीला पैलेस में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं। होने वाली दुल्हनिया परिणीति मेहंदी और हल्दी की रस्म के लिए 17 सितंबर को मुंबई से दिल्ली आई थी। तब उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। बताया जा रहा है कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की मेहंदी की रस्म 19 सितंबर को हुई। ये सेरेमनी राघव चड्ढा के घर पर हुई थी। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी के लिए उनके आशियाने सज चुके हैं। रिश्तेदार और दोस्त भी पहुंच चुके हैं। परिणीति के घर को जहां दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहीं राघव चड्ढा ने भी परिणीति के स्वागत के लिए अपने घर को रोशनी से सजा दिया है। पंडारा रोड स्थित राघव चड्ढा के घर पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया गया। सोशल मीडिया पर शादी की तैयारी सजावट की वीडियो भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि परिणीति और राघव की मेहंदी सेरेमनी 19 सितंबर को दोपहर 3 बजे शुरू हुई थी। ये सेरेमनी टाइट सिक्योरिटी के बीच राघव चड्ढा के घर पर हुई। एक तस्वीर भी सामने आई है जो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की मेहंदी सेरेमनी की बताई जा रही है। हाल ही में एक सोर्स ने बताया था कि परिणीति और राघव दिल्ली में कुछ रस्मों के बाद 23 सितंबर को उदयपुर रवाना होंगे। वहां पहले एक्ट्रेस की चूड़ा सेरेमनी होगी। इसके बाद 24 सितंबर को दोपहर को दूल्हे राजा राघव चड्ढा की सेहरा बंधाई हो जाएगी। उसी दिन दोपहर 1 बजे राघव दुल्हनिया परिणीति को लाने लीला पैलेस पहुंचेंगे। करीब 3:30 बजे परिणीति और राघव चड्ढा साथ फेरे लेंगे और उसी दिन यानी कि 24 सितंबर को ही रात 8:30 बजे वेडिंग रिसेप्शन रखा जाएगा और इस तरह से इनकी शादी कंप्लीट होगी। वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं परिणीति को दुल्हनिया बनते हुए देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।